हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाते हैं कस्टर्ड फ्रूट सैलेड। दूध हमने ले लिया है 1.5 लीटर, इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और एक बॉल में 1.5 लीटर के लिए मैं एक पैकेट जो है डाइल्यूट कर रही हूँ पानी में, मिक्स करके रख लेंगे पेस्ट। दूध में अच्छे से बॉईल आना चाहिए, देखिए मलाई भी आ रही है ऊपर। दूध में जब बॉयल आने लगे तो अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। 1.5 लीटर के लिए मैंने 1.5 कप जो है वो शुगर डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितना मीठा पसंद है आप मिक्स करने के बाद टेस्ट करके फिर आप ऐड कर सकते हो। और अब जब दूध में बॉयल आने लगा है तो हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हुए पेस्ट को दूध में ऐड करना है। चम्मच चलाते रहना है ताकि कोई लम्स या गुठलियाँ ना बन जाए। सो यू हैव टू कीप स्टिरिंग वाइल मिक्सिंग द पेस्ट इन टू द मिल्क। अच्छे से मिक्स कर लें सारा पेस्ट। और अभी से थोड़ा सा 1 से 2 मिनट चम्मच चलाते हुए आपने बॉईल करना है थोड़ा सा, बस 1 से 2 मिनट, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से थोड़ा सा पक जाए। दूध में मैंने पानी ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसके अंदर 2 कप पानी मैंने ऐड कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा मुझे लग रहा था। तो आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर और पानी या दूध आप ऐड कर सकते हो, पर अभी इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। बस इसको मैं 1 से 2 मिनट ही स्पून चलाते हुए पकाऊंगी और फिर हम इसे बंद कर देंगे चूल्हे को। देखिए फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आप इसे फ्रिज में रखकर और कूल कर सकते हो। आप इसमें अपने मनपसंद फ्रूट्स डाल सकते हो। मैंने इसमें ऐड किए एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और अनार और ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें चॉप करके डाले हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हो, चीकू, मैंगो, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो, सीजनल फ्रूट्स। तैयार है कस्टर्ड फ्रूट सैलेड, बहुत ही टेस्टी है, ट्राई कीजिए।